Hello students, myself Dr. S.S. Chauhan and you are welcome to my YouTube channel Chauhan Maths. Please subscribe this channel and go to the playlist of vector space. There you will see this theorem and several other theorems on vector spaces. Now let us begin with. Let V be finitely generated vector space over a field F. V finitely generated vector space है, इसलिए इसकी बेसिस में finite number of elements होंगी. फिर कहते हैं then any Li subset, Li means linearly independent subset of V can be extended to form basis of V. कोई भी linearly independent subset हम लोग ले लेंगे तो उसे basis of V बनाया जा सकता है. Any Li subset can be extended to make a basis of V. ये हमारी theorem है. Theorem is called extension theorem, very important theorem. Proof is here. Let B be equal to x1, x2, x3, xn be basis of Vf. क्योंकि vector space V finitely generated है, इसलिए इसकी basis में finite number of elements x1, x2, x3, xn हैं. अब हम लोग एक Li set लेते हैं. इस Li set को S बोलेंगे. S is Li subset y1, y2, y3, ym, जहां पर m क्या है, less than n. आपको पता है इसी Li subset को extend करके basis बनाना है, तो इसे extension करोगे तब basis बनेगी. That means basis में element more है, क्योंकि more है क्योंकि S को जब हम extend करेंगे तब जाके basis बन पाएगी. इसका मतलब S में कम element है क्योंकि इसमें कुछ एडिशन करने के बाद बेसिस बनेगी, इसलिए m लेस देन n है. इस s को हमने Li सेट अज्यूम कर लिया है और b को बेसिस ले लिया है. अब हम ये प्रूव करने के ट्राई करेंगे कि इस Li सबसेट को, इस y1, y2, y3, ym को हम एक्सटेंड कर सकते हैं और बेसिस b फॉर्म कर सकते हैं. तो इसके लिए मतलब सेट S को एक्सटेंड करने के लिए हम S यूनियन B कंस्ट्रक्ट करते हैं. S यूनियन B का कंस्ट्रक्शन करेंगे और वो थ्योरम है तो थ्योरम तो याद करनी पड़ती है, तो नेचुरली इसे समझने के बाद आपको याद भी करनी है. तो S यूनियन B क्या है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ S by 1 by 2 by 3 by m और ऑल एलिमेंट्स ऑफ B x1 x2 x3 xn तक हमने यहां s यूनियन b को अज्यूम कर लिया. यहां से थ्योरम हमारी स्टार्ट होती है. अगर ध्यान से देखें तो s यूनियन b सेट s की एक्सटेंशन है. सेट s की ये एक्सटेंशन है, हालांकि ये बेसिस नहीं बन पाएगा, पर जो भी बेसिस बनेगी वो इसी s यूनियन b का सबसेट आएगा. S यूनियन B का सबसेट होने के बाद भी ये S का एक्सटेंशन है. सो S यूनियन B कंसीडर कर लिया. इसमें सबसे फर्स्ट हमारी हेडिंग है टू प्रूव S यूनियन B इज LD. इस S यूनियन B को लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करना है. उसके बाद थ्योरम आगे बढ़ेगी. इसका पहला स्टेप है S यूनियन B इज LD. LD प्रूव करने के लिए S यूनियन B का एक एलिमेंट यहां से उठाया हमने, yi. yi belongs to S यूनियन B and S यूनियन B is subset of V. यहां पे सारे एलिमेंट सब V के हैं, वेक्टर स्पेस के हैं, इसलिए कोई भी सेट जो बनेगा वो V का सबसेट होगा. तो yi belongs to S यूनियन B, S यूनियन B is subset of V. और क्योंकि yi v का सबसेट है, इसलिए yi बेसिस से जनरेटेड है. v का सबसेट है s यूनियन b और yi इस v में बिलोंग करता है.
वाई आई वी में बिलोंग करता है, इसलिए वाई आई बेसिस से जनरेटेड एलिमेंट है। इसलिए बेसिस हमारी क्या थी, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन, तो इसी का लीनियर कम्बिनेशन ये वाई आई है। तो हमने यहाँ पर वाई आई को लीनियर कम्बिनेशन लिया हुआ है, अल्फा वन एक्स वन प्लस अल्फा टू एक्स टू प्लस अल्फा एन एक्स एन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ये अल्फा वन से लेकर के अल्फा एन तक तो यहाँ पर हमने रिपीट कर दिए, और इसके पहले जीरो वाई वन प्लस जीरो वाई टू प्लस जीरो वाई थ्री प्लस जीरो वाई एम एक्स्ट्रा ऐड कर दिए अपनी तरफ से। अब ये क्या बन गया, ये बन गया लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस यूनियन बी। ध्यान से देखिए, एस यूनियन बी के इसमें सारे एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। एज सच वाई आई बिकम्स लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस यूनियन बी। और क्योंकि उस वाई आई को आप एस यूनियन बी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, एस यूनियन बी के रिमेनिंग टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, इसलिए एक एलिमेंट दूसरों के टर्म्स में जब एक्सप्रेस हो जाए तो वो फिर सेट एल डी हो जाता है। एस यूनियन बी एल डी हो गया है। ये एल डी इसलिए हो गया कि आपने एस यूनियन बी का एक एलिमेंट वाई आई रिमेनिंग के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, इसलिए एस यूनियन बी लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। अब इसके नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है, रिमूवल ऑफ एक्स के फ्रॉम एस यूनियन बी। ये जो एस यूनियन बी सेट है इसमें एक्स के रिमूवेबल है किसी रीजन के साथ, हम वो आपको रीजन देते हैं जिससे इसमें से एक्स के रिमूव हो सके। ये हेडिंग हमने अपनी तरफ से बना दिया कि आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो एस यूनियन बी को रिकॉल किया बाई वन बाई टू बाई थ्री बाई एम एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन। नाउ एस यूनियन बी इज एल डी। आपने अभी देखा था कि एस यूनियन बी लीनियरली डिपेंडेंट है, और लीनियरली डिपेंडेंट सेट में क्या होता है कि वन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रिसीडिंग वंस, किसी एक वेक्टर को रिमेनिंग के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, प्रिसीडिंग के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, और वो वेक्टर वाई आईज में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वाई वन वाई टू वाई एम एल आई है, इंडिपेंडेंट है, ये एल आई सेट है यहां से यहां तक इंडिपेंडेंट है ये, तो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को एक दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए एक्स के जो यहाँ पर है एक्स के कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रिसीडिंग वेक्टर्स, और इसलिए हमने एक्स के का ये देखो यहाँ पर एक्सप्रेशन कर दिया है। एक्स के इज इक्वल टू बीटा वन बाई वन प्लस बीटा टू बाई टू प्लस बीटा एम बाई एम प्लस गामा वन एक्स वन प्लस गामा टू एक्स टू प्लस गामा इससे पहले के माइनस वन एक्स के माइनस वन। हमने एक्स के को रिमेनिंग मतलब प्रिसीडिंग के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है। एक्स के को एक्सप्रेस करने के बाद अब हम एक न्यू सेट कंसीडर करते हैं, ये कंसीडर करते हैं एस वन सेट। एस वन सेट इज एस यूनियन वी विदाउट एक्स की, यही हमारा हेडलाइन था कि हम एक्स के इसमें से रिमूव कर देंगे। तो एस यूनियन बी माइनस एक्स के इज रिटेन हियर, आप देख सकते हो बाई वन बाई टू बाई थ्री बाई एम ये यहाँ तक हमने रिपीट कर दिए हैं, एक्स वन रिपीट, एक्स टू रिपीट, और एक्स के माइनस वन, इधर एक्स के माइनस वन और इधर वाला एलिमेंट एक्स के प्लस वन, ये जो यहाँ एक्स के था वो रिमूव करके एक्स एन तक इसे कंसीडर कर लिया अपनी तरफ से। अब इस एस वन के बेस पर आपकी थ्योरम आगे बढ़ेगी। इसके आगे अब हम प्रूव करेंगे एक्स बिलोंग्स टू बी इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू एल एस वन। एक बी का एलिमेंट लेंगे और उसको एल एस वन में एंट्री करा देंगे। वैसे हमारी फाइनल एफर्ट ये रहेगी
कि LS1 इक्वल टू V प्रूव कर दें। एक्चुअली हम इस रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं, LS1 इक्वल टू V प्रूव कर दें। तो X बिलोंग्स टू V हमने ले लिया, X बिलोंग्स टू V लेकर के इसको हम LS1 में बिलोंग करा देंगे, उससे क्या हो जाएगा, V सबसेट ऑफ LS1 हो जाएगा और LS1 इक्वल टू V आने की होप बन जाएगी। तो X बिलोंग्स टू V हमने ले लिया, X इज इक्वल टू, अब क्योंकि ये V का एलिमेंट ले लिया तो X इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस, V के सारे एलिमेंट बेसिस से जनरेट हो जाते हैं, इसलिए हमने बेसिस X1 X2 XN जो बिगिनिंग में अज्यूम की थी वो उठा ली और इसी के टर्म्स में हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया, Δ1 X1 प्लस Δ2 X2 प्लस Δk-1 XK-1 Δk XK Δk+1 XK+1 प्लस कंटिन्यू अप टू Δn XN। ये बीच में नोइंगली हमने इन टर्म्स को फिल कर दिया क्योंकि XK हम इक्वेशन नंबर 1 में छोड़ के आए हैं, इस XK को हमने रिप्लेस करना है, इक्वेशन नंबर 1 यूज करनी है। आपको मैं एडवाइस करता हूँ वीडियो को होल्ड करके स्टेप लिखें, फिर हमारी वॉइस को सुने, फिर लिखें, फिर समझें, तो ये कई बार में आपको समझ में ज़रूर आ जाएगी। तो इस XK को हमने चेंज करना है, Δ1 X1 प्लस Δ2 X2 प्लस कंटिन्यू Δk-1 XK-1, फिर Δk लिखने के बाद ये इक्वेशन नंबर 1 का रिजल्ट हमने यहाँ यूज कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं दिखा भी दूं, देखो ये थी इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर इसे ऑब्जर्व करो, β1 y1 प्लस β2 y2 β k-1 xk-1, इसे देखो और इसे देखो, यही चीज़ हमने वहाँ पर कॉपी की हुई है। तो उसके बाद फिर Δk XK को मैं इक्वेशन नंबर 1 यूज कर दी, Δk+1 XK+1 अप टू Δn XN ये लिखा हुआ। तो अब इसको अगर ठीक से देखें, इन सारे एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करें, तो इसमें आपको सभी एलिमेंट्स सिर्फ S1 के नज़र आएंगी, ये S1 के एलिमेंट्स हैं। S1 क्या था आपका, S1 था y1 y2 yn x1 x2 xk-1 xk+1 अप टू xn, सो दीज आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ S1। इसलिए इस चीज को आप कह सकते हो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S1, एज सच दिस बिलोंग्स टू LS1। इस तरह से जो x आपने v में अज्यूम किया था वो x धीरे से LS1 में बिलोंग कर गया। एलिमेंट्स ऑफ b बिलोंग टू LS1, तो दैट मीन्स x बिलोंग्स टू v इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू LS1 एंड दिस मीन्स v इज सबसेट ऑफ LS1। Now by definition of LS1, LS1 is always subset of V and therefore LS1 is equal to V. इधर आपने बोला V is subset of LS1, इधर बोला LS1 is subset of V, so the two are equal. इन दोनों का मीनिंग हो गया कि LS1 is equal to V. तो S1 जो है वो V को जनरेट करने की पावर रखता है। अब आगे की लॉजिक ये है कि इफ S1 इज LI, क्योंकि S1 ने V को जनरेट कर दिया है, कि अगर S1 LI है तो S1 इज रिक्वायर्ड बेसिस, तो यही S1 हमारी बेसिस भी है। S1 अगर LI है तो ये S1 क्या है, हमारी बेसिस है, और ये S1 लिखा है, ये अगर बेसिस बन गई तो ये क्या है, ये y1 y2 ym का एक्सटेंशन है, दैट मीन्स LI सेट हैज बीन एक्सटेंडेड टू फॉर्म बेसिस ऑफ V। तो इफ S1 इज LI तो S1 इज बेसिस एंड इज एक्सटेंशन ऑफ S, इट इज एक्सटेंशन ऑफ LI सेट S, तो S1 जो है LI सेट का एक्सटेंशन हो जाएगा और थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर S1 LI नहीं है,
मतलब कि अगर S1 LD है तो फिर ऊपर वाला प्रोसीजर फिर रिपीट किया जाएगा, देन गो ऑन रिपीटिंग द अबव प्रोसेस टू गेट न्यू सेट SK। अभी आपने S1 सेट निकाला था, उसके बाद S2, S3, S4 करते चले जाओगे और सभी के साथ LS2 इक्वल टू बी, LS3 इक्वल टू बी, LS4 इक्वल टू बी आता चला जाएगा। गो ऑन रिपीटिंग द प्रोसेस, ये प्रोसेस एग्जाम में रिपीट करके नहीं दिखानी आपको, यही लिखना जो मैंने बताया। तो LSK इक्वल टू V, उससे क्या होगा कि हमें जिस तरह S1 LI मिला था और S1 को मैंने बेसिज क्लेम किया था, उसी तरह रास्ते में हो सकता है S2 LI मिल जाए या S3 LI मिल जाए, S4 LI मिल जाए। तो ये अगर रास्ते में LI मिल गया तब तो वहाँ पे बेसिज मिल जाएगी और वो LI सेट जो हमें दिया हुआ है S, उस S का एक्सटेंशन बन जाएगा रास्ते में, या तो आपको प्रोसेस में बेसिज मिल जाएगी और एक्सटेंशन ऑफ S मिल जाएगा। इफ S1 इज नॉट LI देन गो ऑन रिपीटिंग द अबव प्रोसेस टू गेट न्यू सेट SK एंड LSK इक्वल टू V, देन दस वी गेट बेसिज SK इन द प्रोसेस, या तो प्रोसेस में आपको बेसिज मिल जाएगी एज एक्सटेंशन ऑफ S और वो एक्सटेंशन ऑफ S होगी। एट द मोस्ट वी आर लेफ्ट विद दिस सेट, लेकिन अगर आपको एलिमेंट्स वन बाई वन थ्रो करने पड़ गए, जैसे XK को थ्रो कर दिया था आपने, उसी तरह दूसरे एलिमेंट को थ्रो करना पड़ेगा, थ्रो करते करते अगर आपका सेट इतना बच गया by 1 by 2 by 3 by m, तो ये जो सेट है वो डेफिनेटली LI है और इसके साथ LS इक्वल टू बी आप प्रूव करते आ रहे हो, LSK इक्वल टू बी, तो LS इक्वल टू बी भी प्रूव हो जाएगा। तो फर्स्ट सिचुएशन ये है कि सारे XK अगर थ्रो हो गए तो उसके बाद भी ये बेसिज आपके पास रह जाएगी, तो ये बेसिज रह जाएगी, तो ये खुद क्या है, दिस इज ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ S टू फॉर्म बेसिज ऑफ B। हालांकि इस एक्सटेंशन में कुछ एक्स्ट्रा एडेड नहीं है, फिर भी इसे एक्सटेंशन बोला जा सकता है। सो एट द एंड वी गेट बेसिज S विच मे बी ट्रीटेड एज एक्सटेंशन ऑफ S। हैंस एनी LI सेट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म बेसिज ऑफ VF। इस तरह से किसी भी LI सेट को बेसिज बनाया जा सकता है। आप वीडियो को होल्ड करके और इस सारे मटेरियल को अपने हाथ से लिखिए, समझिए बहुत अच्छा, मेरा अपना लिखा हुआ मटेरियल है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू लिखा है, आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। और इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और इसकी प्लेलिस्ट ज़रूर निकाल लेना, वहाँ पर रिप्लेसमेंट थ्योरम, एग्जिस्टेंस थ्योरम और सेवरल अदर थ्योरम्स आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में यहीं तक, थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।